दोस्तों ये भी हमारी अपनी शॉप है, तो जहाँ की मेरा ये रहा हमारा ब्लैंकेट्स का स्टॉक, तो ये रहे मैटिंग वगैरह कुछ है। लोकेशन पे चाय पीने का भी नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। ये रही चाय अपनी, कुल गंदा वाला टेस्ट है दोस्तों, तो इसे फेंकना ही अच्छा है। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसी जगह से, तो आप परेशान होंगे, ये पीछे मेरे कुछ कंबल से हैं, मैट से हैं। तो ये भी हमारी अपनी शॉप है, तो जहाँ की मेरा जो बड़ा भाई है वो यहाँ पे डील करता है, तो ये उनकी शॉप है। तो अभी मैं ऐसी आया हूँ यहाँ पे क्योंकि वो बाहर गया हुआ है, तो सोचा क्यों ना इस पर भी आपको एक वीडियो दिखाऊँ। तो ये भी हमारी अपनी शॉप है, मेरे अपने रियल भाई की ये शॉप है, तो मैं दिखाता हूँ हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों ये मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि ये अपनी शॉप की एडवर्टाइज़ कर रहा है कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शॉप आज, तो हमारा स्टोर कहाँ कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अब आपको अपनी शॉप पे, तो आप देखिए। तो भाई की शॉप पे जा ही रहा था तो अपना फ्रेंड आ गया, तो ये बोल रहा है हमने स्कूटी की सर्विस करवाने जाना। तो भाई हम स्कूटी की सर्विस कहाँ करवाएंगे? मैंने सुना है कि नया होंडा का, हाँ यहाँ पे नीचे वाली साइड खोला है आज, तो उसके बाद हमने प्लानिंग बनाई थी, कल भी बनाई थी, तो चलते हैं वहीं। तो जो भाई की स्कूटी है, तो भाई पहले जॉब करते थे बाहर, इनने जॉब छोड़ दी है, तो इनने अब अपना बिजनेस खोला हुआ है, तो बिजनेस के साथ साथ इनने जो है डेली व्लॉगिंग का भी वो रूटीन शुरू किया है। तो इनकी स्कूटी है, उसको सर्विस करवानी है। तो जो स्कूटी है ना, तो दोस्तों वो घर पे ऐसी पड़ी रहती थी, तो उसको सर्विस ही नहीं हुई है, तो आज भाई ने स्कूटी निकाली है बाहर, तो बोलते हैं सर्विस करवानी है उसकी। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद हम सर्विस करवाने, तो फिलहाल ले चलता हूँ मैं आपको अपनी भाई की शॉप पर। तो कुछ यहाँ से हमारी शॉप की एंट्री होती है, तो ये रहा हमारा सामान जो हमारी शॉप पर रहता है, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ये सब है। तो ये सब हमारा यहाँ पे सामान लगा हुआ है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको कर्टन वगैरह, ब्लैंकेट जो भी है, रजाई वगैरह सब मिल जाएंगे, मैटिंग शैटिंग, ग्रास मैटिंग। दोस्तों जो मैंने अपने शॉप, मेरी चेयर लगी होती है वहाँ पे मैंने करवाई हुई है, तो मैं वो आपको दिखाई है मैंने, तो जिन्हें नहीं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैंने नहीं दिखाई है, तो वो भी देख लेना, मैं उनको दिखा दूँगा। बाकी ये कुछ हमारा स्टोर है, तो दोस्तों इतना सा स्टोर नहीं है, नीचे स्टोर हमारा जो घर में, वहाँ पे भी हमारा सामान रहता है। बाकी ये देखिए अंदर कुछ इस तरीके का सामान हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रेसेस हैं, तो वहाँ पे चेयर्स वगैरह हैं। तो दोस्तों आजकल सीज़न नहीं है, इसकी वजह से सामान हमने ज़्यादा नहीं मंगवाया है, तो जो लिमिटेड स्टॉक है अभी वही है, बस अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक सामान आ जाएगा हमारा दूसरा। तो ये रहे मेरे बड़े भाई की शॉप, तो ऐसा कुछ है। ये रहा हमारा ब्लैंकेट्स का स्टॉक, तो ये रहे मैटिंग वगैरह कुछ ऐसी। तो ये रहा हमारा जो ग्रास वाला मैट है, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे जो रज़ाइयाँ वगैरह वो हैं फोम, और ये रहे जो क्या बोलते हैं इनको, मैट वगैरह कुछ भी है। तो ये रहे जो हम नीचे बिछाते हैं, कुछ कर्टन की वैरायटीज़ हैं, ये सब हमारा है। तो यहाँ पे अभी जगह थोड़ी खाली है क्योंकि अब स्टॉक आएगा तो फिर ये फिलअप हो जाएगा, तो ऐसा कुछ। ये मैंने ग्रास वाली मैटिंग अपने जो चेयर वाली साइड है वहाँ पे करवा रखी है, ऐसा कुछ है। बस थोड़ी देर में हम निकलते हैं, स्कूटी की जो सर्विस है वो करवाएंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं घूमने का प्लान वगैरह क्या रहता है, तो जाएंगे आप घूमने। तो दोस्तों जब से दोस्त ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो तब से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल गया है कि मैं भी डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो दोस्तों देखते हैं मौसम कैसा रहता है, मौसम भी बाहर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो कहीं बारिश ना हो जाए, तो घूमने का जो प्लान है सब हमारा बेकार ही रहेगा। फिर देखते हैं अब क्या रहता है, बारिश अगर हुई तो फिर तो नहीं जा पाएंगे। मौसम देख सकते हो बादल काफ़ी ज़्यादा घिर चुके हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। तो ऐसा कुछ है मौसम। अभी निकल गए हम यहाँ से, तो बस थोड़ी दूर होंडा का सर्विस सेंटर है वो है, तो बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले वहाँ पर। तो दोस्तों ये सामने रहा होंडा का बोर्ड, पहुंच चुके हैं हम होंडा के शोरूम के पास। तो दोस्तों किस्मत हमारी इतनी ख़राब ही है, देखिए जो सर्विस सेंटर है इनका बंद है आज। तो दोस्तों सर्विस सेंटर तो इसका स्कूटी का बंद था, तो अभी हम जा रहे हैं भाई की जो स्कूटी में जो तेल था ना, तो वो बिल्कुल लो फ्यूल था, तो अब जा रहे हैं हम बाइक में, सॉरी स्कूटी में दोस्तों तेल डलवाएँगे। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए हमारे यहाँ के जो सीनरी है वो इंजॉय कीजिए। तो वासुकी नाग जी का टेम्पल, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था
की बारिश होगी, तो बारिश अभी लगी हुई है, हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है, तो पेट्रोल पंप पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पीछे चाय पीते, जो आपको वहां पे पीछे शॉप नज़र आ रही है वहां पे जाके चाय भी पीते हैं। तो फिलहाल अभी पेट्रोल पंप पहुंचे हैं दोस्तों, सामने की कुछ ऐसी लोकेशन, तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे रहा टी स्टॉल, तो अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे। तो अपना दोस्त ही वहाँ पे बिजी है। तो ये रूट है जम्मू का, तो नीचे से बस भी आ रही है, तो अब हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही, तो यहाँ पे सामने हम जाके चाय इंजॉय करते हैं। हमने भैया को चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, तो बाकी भाई भी यहाँ पे कुछ कर रहा है। तो बाकी आप यहाँ का सामने का व्यू देख सकते हो, काफ़ी तगड़ा है। तो ऐसे घर हैं कुछ यहाँ पे, तो और सामने लोगों ने जो खेतों में गोबर भी डाल रखा है, क्योंकि अब जो ज़मीनों का काम भी शुरू हो जाएगा, लोग खेती वगैरह करने लग जाएंगे, अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे करवा रहे हैं गाड़ी की सर्विस। आर्तम सर, माची प्योर माची है। किस और बनते हैं इंजन ऑयल? लुब्रिकेंट है सर, जो क्रूड ऑयल निस्त तस्से बनते हैं। बनते जो क्रूड ऑयल निस्त ना तो दोस्तों जो भी को मारुति मारुति है, तेल की टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं, तो लो बजट जिसका हो तो उसके लिए तो काफ़ी मस्त है। तो बाकी यहाँ पे ऐसी कुछ लोकेशन है, तो ये ऐसे घर हैं यहाँ पे कुछ, तो बाकी आप देख सकते हो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी हम नज़ारों को इंजॉय करते करते यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं, तो ऐसी लोकेशन पे चाय पीने का भी नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। ये रही चाय अपनी, लेकिन दोस्तों सच बताऊँ तो चाय का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बड़ी बेकार चाय बनाई है, तो अब इसे फेंकना ही अच्छा है, तो कुछ टेस्ट नहीं है खास इसके अंदर। तो बाकी जैसी लोकेशन है उस हिसाब से अगर चाय भी मिल जाए ऐसी, तो बिल्कुल गंदा वाला टेस्ट है दोस्तों, तो इसे फेंकना ही अच्छा है। तो फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। चल 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 चलो 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 चल 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 चल। तो दोस्तों फाइनली आ गया मैं अपनी शॉप पे, तो शाम के बज रहे हैं 5, तो दिन का दिन कैसे निकला कोई पता नहीं चला। तो करते इस व्लॉग को यहीं पे, होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।